हेलो शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और यहाँ अजहान से हाय हाय निकल पड़े हैं थोड़ा वॉक के लिए। हम जा रहे हैं हमारे पड़ोसी के घर क्योंकि वो वुडवर्क करते हैं, और जैसे मैंने कल कहा था मेरा गराज थोड़ा टूट गया मेरे वजह से, तो आज आए थे गराज डोर ठीक करने के लिए। उन्होंने कहा वो नहीं कर पाएंगे, कोई कस्टम मेड जो करते हैं वो कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर वो लोग जो मेरे पड़ोसी हैं वो थोड़ा वुड वर्क करते हैं, तो मैं उनसे पूछने आई हूँ कि वो कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, बात करके मैं बताती हूँ। तो ये है वो गराज डोर जो कार से टकराई और ये हालत हो गया है उसका। तो मैं अभी जो आए थे सुबह देखने के लिए गराज डोर, उन्होंने कहा इसको शायद पूरा डोर अगर चेंज करेंगे और जो अगर एक पैनल भी चेंज करेंगे सेम कॉस्ट आएगा और कुछ, उन्होंने $3,000 उन्होंने बताया एक डोर का। और क्योंकि अगर बीच वाला डोर आप चेंज करेंगे तो बाकी डोर भी चेंज करना पड़ेगा वरना मिसमैच हो जाएगा, तो टोटल $10,000 के खर्चे लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि यू नो आप देख सकते हैं कितना टूटा है, थोड़ा सा ही है बट उसके लिए सारे डोर्स चेंज करने पड़ेंगे। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं से आसानी से ठीक कर सकें। तो चलिए देख, मेरे अभी ट्यूलिप के प्लांट्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी समर आ गया तो बस हम यही सब करते रहते हैं जितना गार्डनिंग। इट्स डायनासोर एग। तो हम बस समर में अपना गार्डन का काम करते हैं। तो मैं ये पत्थर हटाऊंगी, ये देखिए ये पत्ते अगर हटाऊंगी तो ये ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से आएंगे। ये पतझड़ में ना ये पत्थर ऐसे जम जाते हैं और हम ठहरे देसी, ग्लव्स व्लव्स हमसे पहना नहीं जाता वरना यहाँ पर लोग प्रॉपर ग्लव्स पहन के फिर काम करते हैं। हम तो बस आते हैं जब देखते हैं अरे ये ऐसा है तो चलो भाई काम ख़त्म कर दो, अभी ग्लव्स कौन पहनेगा। और मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ में जैसे पकड़ है ग्लव्स पहनने के बाद नहीं आती है। तो अभी क्लीन अप टाइम। ओह नो वेट, यू आर गोइंग टू हेल्प मी, गुड जॉब, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। यहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ पर आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं और जब आता है बुक तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो अजहान के लिए कुछ बुक्स ऑर्डर किया था फरहान ने, तो ये सारे आए हैं। पेपा पिग, क्योंकि उसको पेपा पिग बहुत पसंद अभी आ रहा है, अभी उसका पेपा पिग वाला एडवेंचर चल रहा है, तो ये सारे बुक्स अभी उसके लिए लाए हैं जो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो हमेशा याद रखें बच्चे लोग को बुक से थोड़ा सा करीब रखें, और अजहान का अब आदत हो गया है कि रोज़ रात को वो बुक्स पढ़ के ही सोता है। यहाँ पर ये और एक बुक मैंने शायद आपको दिखाया था, हमने कॉस्को से लिया था, और उसमें ये सारे फिगर्स आते हैं, तो वो क्या है वो रिलेट कर सकता है, जब वो बुक यहाँ पढ़ता है तो ये सारे को रिलेट कर सकता है उसके साथ। तो हमने और भी सारे बुक्स ले आए हैं क्योंकि उसको ये अच्छा लग रहा था। या कैन यू रीड योर बुक, लेट्स रीड द बुक। जी हाँ, आज ये मेरा शॉर्ट एंड सिंपल डे था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ी परेशान हूँ अपने गराज डोर को लेके क्योंकि खर्चा बहुत है, एंड ये अनएक्सपेक्टेड अनप्लान खर्चे होते हैं। बट बोलते हैं ना अल्लाह ताला अगर आपको ये चीज़ देता है तो उसका हल भी अल्लाह ताला ही निकालते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे ये पॉजिटिव मतलब अल्लाह पे भरोसा है कि हमेशा कुछ अच्छा रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें कि मुसीबत अगर आपने दिया है तो आप ही इसका हल दें, तो पता नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से किधर से कौन मदद करते, बस वो नियत रखे साफ तो हो जाता है।
तो देखते हैं, मैं कोशिश करूंगी, बट फिर भी अगर ये है तो है, करना है तो करना है, कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर दे। और ये शायद हर रिलीजन में है, मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान होता है, ये इसलिए होता है ताकि आपका टेस्ट लिया जाता है, आप फिर भी अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि नहीं, तो वो ज़रूर कभी मत छोड़ें। आज था थर्सडे और आज मेरा रोज़ा था, तो दिन भर ऑब्वियसली मैंने खाया पिया नहीं है। अभी मैंने अफ्तारी की, ख़त्म किया, नमाज़ भी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और पड़ोसी के यहाँ गई थी बट वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 2-3 बार जा के आ चुकी हूँ बट वो नहीं है, तो शायद वो आउट ऑफ टाउन है। तो मैं इंतज़ार करूँगी, देखूँगी वो जब आते हैं कुछ हेल्प मिलता है, वरना और 2-3 दुकानों में भी ट्राई करूँगी और मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि ये ना एक एग्ज़ाम्पल भी होगा कि अल्लाह, आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है वो आप एक्चुअली हेल्प करता है कि ना। ये मैं आपको लाइफ एग्जांपल, लाइफ टेलीकास्ट दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर मेरा हर एपिसोड इसके बाद ज़रूर देखिएगा कि देखने के लिए मेरा गराज डोर फिक्स हुआ या नहीं, और हुआ तो कैसे हुआ इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने कहा, आज का दिन शॉर्ट एंड सिंपल था। तो आप सोच रहे होंगे हर थर्सडे को मैं कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे बात करती थी, तो आज क्यों नहीं। वैसे अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे कुरान शरीफ के बारे में जितना मुझसे हो सका मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब उसको अमल करने की टाइम आई है। और ये मेरा पहला एग्ज़ाम्पल है अमल करने का, कि मेरा जो गराज डोर अभी ख़राब हुआ है, मेरे वजह से हुआ है, मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी, मैंने फरहान को भी सॉरी बोला, क्योंकि मुझे ऐसे गिल्ट फीलिंग हो रहा था कि गलती से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। तो ये मेरा लाइफ एग्ज़ाम्पल है, जो हमने सीखा है अभी वो कैसे हम अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज के लिए मैं इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखती हूँ, कल फिर आपसे मिलूंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। और कल फिर आपसे मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार एंड चाओ।